स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है एसएससी के वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और अभी तक हमने कितने सेट्स कवर कर लिए? 6 सेट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज जो है हम इसी सीरीज में एसएससी सीजीएल आपका सीएचएसएल एमटीएस और स्टेनोग्राफर आपका ग्रुप डी, ठीक है, और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के फील्ड में, इधर आप इसको सेंटर का एसएससी ना मानकर आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी स्टेट के एसएससी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपी SSSC, ठीक है, SSSC का होता है, उत्तराखंड का भी होता है SSSC, या राजस्थान में भी SSB होता है, ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस तरीके के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स कराते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस सीरीज में हम अब आज का जो हमारा सेट रहने वाला है कौन सा है? सेट 7, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 हमारा रहेगा आज का। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ICMR, ठीक है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है एक्चुअली? बेसिकली ये क्या करती है? फॉर्मुलेट करती है, फॉर्मुलेशन का काम करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है, एंड प्रमोशन का काम करती है। किसके बीच में? ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उसके बीच में फॉर्मुलेशन बनाना और कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, और उसको प्रमोट करना, ठीक है, अच्छे से, ताकि उसमें रिसर्च होती रहे इस फील्ड में। बेसिकली रिसर्च वर्क का काम ICMR देखती है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर जो ICMR के चेयरमैन हैं, ठीक है, चेयरमैन नहीं होते, यहाँ पर होते हैं डायरेक्टर जनरल DG, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रोफेसर बलराम भार्गवा, ठीक है। तो प्रोफेसर बलराम जो भार्गवा जो है करेंट टाइम पर ICMR के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहाँ बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो है अंडर क्लॉज 2, सेकेंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 124, जो आर्टिकल 124 124 आर्टिकल है उसके सेकेंड क्लॉज के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस जो अदर जजेस जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम जो चीफ जस्टिस या अदर जजेस की, तो इनकी जो एज होती है 65 ईयर इज द मैक्सिमम एज, ठीक है। और इसमें जो आपका फर्स्ट टाइम पर जो CJI बने थे पहली बार, ठीक है, आज़ाद भारत में हम बात कर रहे हैं, स्पेशली आज़ाद भारत में, वो थे HJ कानिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मे भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और प्रेजेंट टाइम पर जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? एन वी रमन्ना, ठीक है, NV रमन्ना प्रेजेंट टाइम पर आपके चीफ जस्टिस है भारत के, ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है वो होता है 52 से लेके 62 तक, जितने आर्टिकल्स होते हैं ये सारे किसके बारे में बात करते हैं? प्रेसिडेंट के पावर की, ओथ के, टेन्योर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है इन आर्टिकल्स में। और यहाँ पर एक नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पर, कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इनके लिए जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रधानमंत्री से, वो है आपका 74, 75, 78 और एक आर्टिकल 366। तो ये चार आर्टिकल्स जो है प्रधानमंत्री से संबंधित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसमें अभी हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस और CJI की, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट है ना, एट प्रेजेंट जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 333+1, एक तो चीफ जस्टिस हो गए और बाकी 33 अदर जजेस हैं, इनकी संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या इंक्रीज की गई कब? 2019 में, ठीक है। और उसके लिए एक अमेंडमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट 2019 आया था, उसके अंतर्गत ये जो संख्या है 33 की, इसको बढ़ाया गया और ये अब कितने हो गए? 34 हो गए, 33+1 34 हो गए ये, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो PM हमारे कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, डिफेंस मिनिस्टर
राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, देखिए जितने भी ये स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन हैं ये वेरी हो सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर ये लोग हैं, हो सकता है जब आप देखें कुछ टाइम के बाद तो मे बी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, अब दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, राज्य इसको RS कर लीजिए शॉर्ट में ना, राज्यसभा। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में भारत के महान्यायवादी। तो ये वो पद है या ये वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सभा का, सदन का सदस्य ना होते हुए भी वहां पर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, जाके डिस्कशन में पार्टिसिपेशन ले सकता है, डिबेट में जो भी डिस्कशन चल रही होती है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। बट ही कैन नॉट वोट, एक लिमिटेशन है, ही कैन नॉट, ये वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वोट करने का अधिकार इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। बैठ के वहां पर डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना ही नॉमिनेटेड है, ना ही इलेक्टेड है, तो ये वोट नहीं कर सकते, वोट करने का अधिकार का नहीं है। ठीक है, और जो अटॉर्नी जनरल है, इस पद को क्या कहा, ये क्या होता है, एक्चुअली चीफ होता है, लीगल एडवाइजर होता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्लियर। और ये प्रेजेंट टाइम पर हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की, प्रेजेंट टाइम पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आपके के वेणु गोपाल। ठीक है, और इनकी अपॉइंटमेंट जो अटॉर्नी जनरल है, इसकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट है जो भारत के अभी करंट टाइम पर जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है वेंकैया नायडू। और वो कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइंड द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो शब्द है ये किसने इजाद किया या किसने पहली बार बोला? तो वो थे पैट्स मोलिन। पैट्स मोलिन ने ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी। ठीक है, और इनको सपोर्ट किया था जे एम कैंस ने, ही सपोर्टेड हिम इन द कॉइनिंग ऑफ द टर्म मिक्स इकोनॉमी। देखिए अभी भी कोई नया टर्म कॉइन किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें क्या है, कॉइन करने के बाद उस पर डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन में जे एम कैंस ने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, और एडम स्मिथ कौन है? ये है फादर ऑफ सॉरी फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर है, इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए मिक्स इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है इसमें, कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो सरकारी एंटरप्राइजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस जो आपके प्राइवेट संस्थान हैं, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, मूव करते हैं, आगे ग्रो करते हैं। ठीक है, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वली रहता है। ठीक, तो उस टाइप की जो इकोनॉमी होती है वो मिक्स इकोनॉमी कहती है, और इंडिया जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल। नॉट अ रूट वेजिटेबल, अब देखिए रूट वेजिटेबल मतलब जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं आपकी जो सरफेस पर ऊपर रहती हैं, सरफेस के एयर में, ओपन एयर में। ठीक है, और बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो आपकी ज़मीन के अंदर रहती हैं, जैसे आपका रेडिश हो गया, कैरेट है, और आपका ऑनियन है, टोमेटो आपका सॉरी पोटैटो है। ठीक है, इस तरीके के जितने भी आपकी वेजिटेबल्स है वो रूट रहती हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सी रूट है ना, नॉट नहीं है, रूट कौन सी रूट वाली है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअली नॉट नहीं है, इसमें तो सारी हैं, ये भी रूट वाली, रूट वाली, ये भी रूट वाली है, एक मिनट सॉरी, हाँ ये जो टोमेटो है वो रूट वाली नहीं है, है ना। देखिए तो यहाँ पर होना चाहिए साथ में नॉट होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर नॉट ऐड कर लीजिएगा जब अभी आप नोट्स या क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर नॉट रूट वेजिटेबल। ठीक है, वो क्या है? टमाटो। टमाटर जो है आपका ऊपर झाड़ में उगता है ना, छोटा सा पौधा सा होता है, उसमें टमाटर उगता है, बाकी सारे जितने भी टर्लिप, कैरेट, स्वीट पोटेटो, क्या जमीन के अंदर उगने वाले वेजिटेबल्स हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टोमेटो। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद, फिजिकल पॉलिसी जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? वो संबंधित है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेबिट से, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेबिट, एंड साथ में एक और वर्ड भी होता है इसमें, होता है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, इन तीन चीज़ों से फिजिकल पॉलिसी जो है वो संबंधित है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, ये क्या होता है, ये पार्ट होता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो भारत सरकार की, बेसिकली किसी भी सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, उसका पार्ट होता है, जो कि डील करता है किसके साथ, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर के साथ किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं बेसिकली सरकार की, तो डील करती हैं एक्सपेंडिचर के साथ, आपका टैक्स, सॉरी टैक्सेशन के साथ में, ठीक है, और बोरोइंग मतलब कितना पैसा मान लीजिए कहीं से, किसी देश से या किसी एजेंसी से लेना है, उधार लेना है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, और मैनेज करना पब्लिक डेबिट को, मैनेज करना किसको, पब्लिक डेबिट को, डेबिट को भी मैनेज करना, ठीक है, ये सारी क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। अब देखिए फिजिकल पॉलिसी जो बेसिकली, ये सब तो कई सारी चीज़ों के, बट इसमें मेनली जो कंसर्न करता है किसके साथ, ये मेनली कंसर्न करता है फंड के फ्लो के साथ, ठीक है, जो अमाउंट या जो मनी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मनी या फंड है, वो जितना फ्लो हो रहा है मार्केट में, ठीक है, उसको, उससे संबंधित होती है आपकी बेसिकली फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, नॉट फिजिकल है, फिजिकल, फिजिकल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कुछ और वीडियोस में भी आपको शायद मिल जाए, तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो किस चीज़ के फादर हैं, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें, कहाँ पर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। और अगर जो हम वर्ल्ड वाइड बात करें, वर्ल्ड वाइड बात करें, तो वर्ल्ड वाइड जो है नॉर्मन, नॉर्मन बर्लॉग, बर्लॉग को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड वाइड, अगर जो हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए दो बातें, अब इससे जितने भी ये कलर कॉम्बिनेशन है ना, इसका छोटा सा फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, ताकि आपके कई सारे एग्जाम्स में ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा ये कलर कॉम्बिनेशन में। देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन जो होता है ये किसके लिए होता है, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के लिए, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के लिए रिवॉल्यूशन होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन है या फेमस पर्सनैलिटी जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो होता है वर्गिस क्यूरियन, क्लियर, वर्गिस क्यूरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए, ठीक है। और फिर हम बात करें येलो के लिए, तो येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए है, ऑयल सीड के लिए, जो ऑयल सीड होते हैं तिलहन वगैरह, ठीक है, सरसों, सोयाबीन, ये सब जो ऑयल सीड्स होती हैं येलो रिवॉल्यूशन उनके लिए। और इसके लिए जो फादर हैं, मतलब ऑयल रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं येलो रिवॉल्यूशन के, वो कौन है, सैम पित्रोदा, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बर्लॉग, और फिर आपका लाल रिवॉल्यूशन है ना, ये किसके लिए होता है, ये होता है मीट के लिए, जो मांस वगैरह होता है, और टमाटर के लिए मीट रिवॉल्यूशन, सॉरी मीट और टमाटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है, विशाल तिवारी, ठीक है। अच्छा ये तो चलिए ऑप्शन में हो गए, कुछ और हम देख लेते हैं, उसके पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी, ठीक है। अभी हम फिर बात करते हैं ब्लू की, है ना, ब्लू कलर, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, फिश से, ठीक है, फिश या एक्वा कल्चर, उसके लिए जो फादर जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन इज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर येल्लो हो गया, उसके बाद फिर आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए, एग के लिए, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग के लिए, ठीक है। रेड की बात हो गई हमारी, फिर अब एक और रिवॉल्यूशन होता है राउंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए, आपका पोटैटो के लिए, आलू के लिए होता है राउंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। और फिर आता है पिंक रिवॉल्यूशन आपका होता है फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयाँ वगैरह फार्मास्यूटिकल, या फिर आपका ऑनियन के लिए, प्याज के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए आपका पिंक रिवॉल्यूशन रहता है। फिर एक और होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है आपका फ्रूट्स
या हनी जो शहद वगैरह होता है उसके लिए, फ्रूट्स और हनी के लिए रिवॉल्यूशन है कौन सा, गोल्डन रिवॉल्यूशन। और ब्राउन रिवॉल्यूशन एक कलर है, ब्राउन रिवॉल्यूशन है लेदर के लिए, जो लेदर होता है उसके लिए रिवॉल्यूशन आया था ब्राउन रिवॉल्यूशन। और एक एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ये क्या है, ऑल पार्ट ऑल प्रोडक्शन के लिए, ऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर से मिलेगा प्रोडक्ट उसके लिए जो भी रिवॉल्यूशन होगा वो किसमें आएगा, एवर ग्रीन, ठीक है, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और एक और होता है इसमें ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक ब्लैक काला, ठीक है, ये किसके लिए होता है, पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन। और एक कलर और कॉम्बिनेशन आता है ग्रे का, आपका ग्रे, ग्रे होता है फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर के लिए होता है ग्रे कलर का रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए है ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेक्यूरल वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, जो हेनरी बेक्यूरल है वो डिस्कवरी किस डिस्कवरी से रिलेटेड है, ये है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए हेनरी बेक्यूरल एसोसिएटेड है, ठीक है। और इन्हें नोबल प्राइज भी मिला है, क्या मिला है, नोबल प्राइज, नोबल प्राइज मिला है इन्हें, ठीक है, कब मिला था, 1903 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ में रेडियो एक्टिविटी के साथ में एक दो नाम और आते हैं, मैरी क्यूरी, क्यूरी और होता है पेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, ठीक है। ये डेफिनेटली वर्ड दोनों नाम सुने होंगे इन्होंने, क्या रेडियो एक्टिविटी और साथ में रेडियम है ना, रेडियम की खोज करी थी इन्होंने, ठीक है, और रेडियम की खोज की थी, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिविटी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज अ विच काइंड ऑफ डिजीज, रिंग वॉर्म किस टाइप की डिजीज है, रिंग वॉर्म बेसिकली क्या है आपकी, है फंगाई है, फंगल है, फंगल डिजीज है, नॉट फंगाई, फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज। अब रिंग वॉर्म के जैसे आपको वो होता है ना, दाद सा हो जाता है गर्मियों में, या थोड़ा सा जो वेटी सीजन होता है ना बारिश वगैरह का टाइम, तो उस टाइम पर स्पेशली बारिश के टाइम पर जो आपका रेनी टाइम होता है उस टाइम पर क्या होता है कि ये स्किन पर कई जगहों पे बॉडी में एक फंगल, फंगल की वजह से आपको रैशेस या आपका एक दाद सा रिंगवॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया फंगल इन्फेक्शन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली मैमल कैपेबल टू फ्लाई, ठीक है, कौन सा इकलौता मैमल है जो फ्लाई करने का कैपेबल है। अब देखिए इसमें ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है और फ्लाइंग ल्यूमर है, ये दोनों नाम तो आपको फ्लाइंग दिख रहे हैं, बट ये क्या करते हैं, ये ग्लाइड करते हैं, ग्लाइड ग्लाइडिंग करते हैं, मतलब रेंगते हैं, ये उड़ते नहीं है, ठीक है, फ्लाई नहीं करते, बट फ्लाई कौन करता है, बैट, आपका चमगादड़, चमगादड़ एक लौता ऐसा मैमल है जो ग्लाइड करता है, भाई देखिए ग्लाइड करता, सॉरी फ्लाई करता है, उड़ता है, ठीक है, कैपेबल टू फ्लाई होना चाहिए यहाँ पे, फ्लाई इज मिसिंग बट कैपेबल टू फ्लाई, ठीक है। ओके तो अभी देखिए मैमल्स क्या होते हैं, बेसिकली टर्म आया मैमल, मैमल्स क्या होते हैं, जो ऐसे मेंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, और उनके अंदर एक चीज़ होती है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड की वजह से कि हेल्प से वो जो उनके बच्चे होते हैं उनको वो क्या है मिल्क फीडिंग कराते हैं, ठीक है। इस तरीके के जितने भी प्रजाति के एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, मैमल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो मैमल्स हैं आपके, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के मैमल्स होते हैं, पहला होता है मोनो ट्रीम्स, मोनो ट्रीम्स, दूसरा होता है आपका मार्सुपियल, मार्सुपियल, ठीक है, और थर्ड होता है प्लेसेंटल, 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 ठीक है। ये तीन टाइप के मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मैमल्स कौन जो फ्लाई कर सकता है वो है आपका बैट, और ये दोनों क्या है आपके ग्लाइड करते हैं, रेंगते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा जो सेट 7 है SSC का, जो भी सेट है मतलब सीरीज चल रही है हमारी प्रैक्टिस सेट की, उसका जो सेट 7 है वो हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।